हे भगवान, ऐसी गरीबी किसी को मत देना, ऐसा दुख किसी को मत देना। सच बताती हूँ, इनका दुख देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया और रोते रोते मुझे खांसी भी होने लगा। सच बताती हूँ, ऐसा दुख है भगवान, किसी को मत देना। और इसकी दुख देखकर तो मुझे रोना आ गया। हे भगवान, देख सकते हैं बेचारी फटा कपड़ा पहन रही है, इनके पास पैसा भी नहीं है जो अपना कपड़ा सिलवा भी पाएगी। फ्रेंड, कहाँ से लाएगी, बेचारी है ना, जिसके लिए आप लोग जानते हैं, जिसके लिए अपना घर छोड़ दी, अपना माँ बाप को छोड़ दी, आज वही इसको घर से निकाल दिया है। बेचारी को आज देख सकते हैं क्या कर रही है, क्या करना पड़ रहा है इसको। हे भगवान, मुझे बहुत रोना आ रहा है इसकी बातें सुनकर और इसे देखकर, इसकी ऐसी हालत देखकर। सच बताऊँ तो ऐसी गरीबी भगवान किसी को मत देना, किसी को मत देना भगवान। और इसकी गरीबी देखकर मुझे रोना आ गया और मैं अपने सारा दुख भूल गई हूँ। सच बताती हूँ फ्रेंड्स, और एक बात बताती फ्रेंड्स, अगर ये चाहे ना तो कपड़ा तो कोई ख़राब नहीं है, कपड़ा तो बहुत अच्छा पहने, अगर ये चाहे ना तो इसे सिलाई करके भी पहन सकती थी, मगर इसको तो सिलाई करना नहीं है, इसको तो दिखाना है ताकि लोग समझे कैसे बेचारी है ना, बहुत गरीबी है ना, गरीबी इसको पकड़ लिया है बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर पहाड़ टूट गया है, दुखों का पहाड़ जो बोलता है वही टूट कर गिर गया है बेचारी के ऊपर। आज बच्चे को भी संभालना पड़ रहा है और देख सकते हैं मजदूरी भी करना पड़ रहा है, ऐसी हालत, ऐसी गरीबी। हे भगवान, मैं अपना दुख भूल गई हूँ। सच बताती हूँ, मैं तो सोचती थी मेरे ऊपर इतना बड़ी मुसीबत दिए हैं आप, मेरे को ही दुख दिए हैं, मगर देखते हैं, सच बताती हूँ, मेरे से ज़्यादा तो इसकी दुख है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी भी बातें सुन लेते हैं और ये बोलती है क्या, और अपना ये बैंक बैलेंस तो बना रही है और 200-300 का बेरोजगारी कर रही है, तो चलिए आगे देखते। मैं अपने हस्बैंड को ये कहना चाहूँगी कि भगवान ना कभी तुम्हें खुद नहीं रखे। आज मैं जिस सिचुएशन में जिस दिक्कत में हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अभी जो मैं कर रही हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस यही कहूँगी, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ।